हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सातिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक क्विक रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन राइट नाउ आपसे क्या कहना चाहता है, क्या है उसके दिल में जो आपसे कहना चाहता है राइट नाउ अपने मैसेजेस के साथ। वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। क्विक रीडिंग होगी, ज़्यादा मैसेजेस हम पुल आउट नहीं करेंगे। सो लेट्स सी क्या है उसके माइंड में जो वो आपसे कहना चाहता है। वी हैव आवर फर्स्ट मैसेज जो कि है आई वॉन्ट टू बी मोर देन जस्ट फ्रेंड्स। आपका पर्सन डेफिनेटली मोर देन जस्ट फ्रेंड्स रहना चाहता है आपके साथ। हो सकता है कमिटमेंट के लिए रेडी ना हो, इसलिए वो चाहता है कि मोर देन फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन तो रहे, लेकिन कमिटमेंट जो है वो शायद अभी नहीं दे सकता। कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देर इज़ अ पर्सन जो कि आपका फ्रेंड हो और वो आपसे कनेक्शन जो है आगे बढ़ाना चाहता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी कि और क्या मैसेज है आपके पर्सन के लिए, आप पर्सन की तरफ से आपके लिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि यू नो आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो रीडिंग, तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो डेफिनेटली वो आपसे दोस्ती भी करेंगे और चीज़ें आगे भी लेकर जाएंगे। आई डोंट कीप टैब्स ऑन अदर्स। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो दूसरों के ऊपर यू नो नज़र नहीं रखते हैं उस तरह से, या यू नो आपको एक तरह से टॉन्ट भी कर रहे हैं कि दिस पर्सन इज़ नॉट समबडी हु इज़ गोइंग टू स्टॉक यू सोशल मीडिया वगैरह पर। डेफिनेटली मुझे लगता है कि जब कोई ऐसा कहता है यूजली वो एक्चुअली कर रहे होते हैं सब। बट या लेट्स सी मोर मैसेजेस। सोशल मीडिया अफेयर्स, आपका पर्सन हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया यू नो के थ्रू मिला हो, और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन थोड़ा डाउटफुल भी है इस कनेक्शन को लेकर, इन द सेंस कि उसको लगता है कि जैसे आप उसके फ्रेंड हो आप किसी और के फ्रेंड भी हो सकते हो। तो देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी कमिंग इन। यू एंड आई वर टू यंग। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे मिले हो और उसके बाद आपका ब्रेकअप हो चुका हो। आपका पर्सन रियलाइज़ करता है कि इनिशियली जो कनेक्शन था वो शायद इतना स्ट्रांग नहीं था इस पर्सन के लिए। यू नो जैसे सोशल मीडिया अफेयर्स होते हैं उस तरह से वो पर्सन बहुत लाइट वे में लेकर चल रहा था। बट Nobody can ever love me like you do. I value you. So वो definitely अब जाकर उनको realization हो रहा है connection को लेकर, जो कि पहले शायद नहीं हुआ था, और अब वो आपको value करते हैं। We both know I am not the one for you. हो सकता है initially आपके person ने आपको ये सब कहा हो, या अब भी आप अगर किसी person से deal कर रहे हो जहाँ पर person commitment नहीं दे रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको लगता है कि commitment वाला scene तो off है। लेकिन yes, वो more than just friends रहना चाहते हैं, which means कि sexual connection रहना चाहते हैं, या फिर मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, घूमना फिरना करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ज़्यादा बात भी करना चाहते हैं बट कमिटमेंट से दूर रहकर। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।